And so the radius of hemisphere and cylinder that will be 5 by 2 millimeters में है यूनिट्स, ये ध्यान रखिएगा. नाउ इन द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, हमें लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो निकालनी है और लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल जो है वो हमें गिवन है. अब यहाँ ध्यान रखना कि क्योंकि ये हमारे पास हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का दिस इज द रेडियस. सेम वे में ऑन दिस साइड ऑल्सो दिस इज द रेडियस, यानी कि 5 बाय 2 लेंथ ये है और 5 बाय 2 मिलीमीटर लेंथ ये है. और वी कैन से कि ये पूरा हमारा, अगर इन दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा पूरा एक स्फीयर बन जाएगा विद डायमीटर 5. तो विद डायमीटर 5 मीन्स जब हम लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो दैट विल बी दिस टोटल हाइट माइनस दिस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस दिस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस रेडियाई ऑफ बोथ हेमिस्फीयर. तो टोटल लेंथ इज 14 माइनस रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फीयर. तो बोथ हेमिस्फीयर मतलब ट्वाइस ऑफ 5 बाय 2 आई कैन टेक. तो 14 माइनस 5 दैट इज 9. तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है हमारे पास वो आ गई 9 मिलीमीटर. नाउ वी आर टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल. तो सरफेस एरिया मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. तो दैट इज गिवन बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच. दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एच, दिस इज आर, एंड प्लस कर रहे हैं इसमें हम ट्वाइस ऑफ टू हेमिस्फीयर के लिए आ गया. एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया जो है दैट इज 2 पाई आर स्क्वेयर. सो दिस इज 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर. सब वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट आर आंसर. तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इज 5 बाई 2 इंटू एच इज 9 प्लस 2 2s are 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 5 बाई 2. सो सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर. So after overall solving this, you will be having your answer as 220. And since the unit is millimeter and we are calculating the surface area, so the unit will be millimeter square. Simplify karke, overall simplify karke, you will get this 220 millimeter square. So moving on to the next question now. If there is any doubt in this, you can raise your hand and get your doubt cleared. Otherwise, we are moving on to the next question now. Prachi and Krish Lutra, you are not following the format that have been told to you. So question number 7 after this. In question number 7 we are having a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है हमारे पास जिसकी शेप है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से कोन रखा गया है. तो दिस विल बी द शेप ऑफ द टेंट. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर. इसकी हाइट जो है वो हमें पहले गिवन है, डायमीटर बाद में गिवन है. तो हाइट 2.1 है, डायमीटर जो है दैट इज 4 मीटर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ये आपकी स्लांट हाइट बन रही है.
दिस इज गिवन टू बी 2.8 मीटर। अब अगेन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसकी हमें सिर्फ स्लांट हाइट गिवन है कोन की, कोन की स्लांट हाइट गिवन है, बट क्योंकि ये सरमाउंट हो रहा है सिलेंडर के ऊपर, तो वट एवर विल बी द डायमीटर और रेडियस ऑफ द सिलेंडर, द सेम विल बी द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोन। सो स्लांट हाइट हमें 2.8 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ कैनवस आपको निकालना है। सो टेंट जब आपका बनेगा तो इट मीन्स दिस कर्व्ड पोर्शन प्लस दिस कर्व्ड पोर्शन। तो एरिया ऑफ कोन में ये कर्व्ड पोर्शन प्लस सिलेंडर का कर्व्ड पोर्शन, बेस नहीं लेना क्योंकि बेस आपको उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। आपने सरफेस एरिया निकाल लेना है, उसके बाद कॉस्ट निकालनी है, जिसमें कॉस्ट आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की ₹500। तो अकॉर्डिंगली यू विल मल्टीप्लाई दिस एरिया ऑफ द कैनवस विद 500 एंड यू विल गेट योर आंसर। सो गिवन में हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, कॉनिकल पार्ट की स्लांट हाइट गिवन है। तो एरिया ऑफ जो कैनवस हमारा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इन दिस एक्सरसाइज यू आर टू डू योर इवन पार्ट्स एज योर होमवर्क एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म 2। And after that we will start with the revision. 1 week lagega abhi aapka aur iske. So this is your question number 7. We are given the height of the cylindrical part 2.1 meter. Figure jo hai wo hamari is tarike se banegi. This is the cylinder cone. Or cone is surmounted on a cylinder. So height of cylindrical part is 2.1 meter. And the diameter of the cylindrical part is 4 meter, so radius will be 2. Here also radius will be 2 and the slant height is given to be 2.8 meter. All the units are in meter, same hai sari units, so no conversions will be there. So height of cylindrical part that is equal to 2.1 meter, diameter of cylindrical part is 4 meter. So the radius will be 4 by 2, that is 2 meter. And the slant height of the conical part is given to be 2.8 meter. Same will be the radius of conical part, that is 2 meter. So each and everything we are given, we are simply to put the values in the formulas and get our answer. So the area of canvas used, that is equal to the curved surface area of conical part plus curved surface area of cylindrical part. तो अब इनके हमें फॉर्मूलाज पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, आर है हमारे पास, एल है हमारे पास। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 पाई आर एच। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। रेडियस इज 7, रेडियस सेम है तो बाय सेम थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग, हाइट वी आर रिप्रेजेंटिंग विद एच एंड द स्लांट हाइट विद एल। सो 22 अपॉन 7 इंटू 2 is the radius, slant height is 2.8, so this is pi rl plus twice of 22 by 7, radius is 2 and height of the cylindrical portion is 2.1. so this is 0.4, this is 0.3. now calculate and you will get your answer. तो यहाँ पे जो हमारा एरिया आएगा दैट विल बी 44 मीटर स्क्वायर ओवरऑल सरफेस एरिया। कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना, मैंने करके रखी हुई है, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। सो दिस इज 44 मीटर स्क्वायर। वन स्टेप आई हैव स्किप्ड ओवर हियर, सो यू आर टू डू दैट स्टेप आल्सो।
So next we are having, we are to find out the cost of the canvas. हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एज ₹500. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, दिस इज 500. सो वी आर हैविंग ओवरऑल 44 मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी 44 × 500. सो दैट विल बी 22,000. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द canvas that will be used for making the tent. So simply diameter से आपने radius निकाला. जहाँ पे इनके radius अलग होते हैं question में, सिर्फ वहां पे ही mentioned होता है. यहाँ इसका diameter या radius का कोई role नहीं था, कोई statement में mentioned नहीं था कोण का. तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे वो अलग से मेंशन्ड नहीं है, वट एवर विल बी द डायमीटर ऑफ एनी वन ऑफ द फिगर विल बी गिवन, द सेम विल बी द डायमीटर ऑफ द सेकंड फिगर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर हैविंग फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. अब यहाँ पे जहाँ पे हॉलोड आउट हो रहा है, तो यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस कि जब हम कोन को सिलेंडर में से कट कर रहे हैं, इट मीन्स सिलेंडर के अंदर ये कैविटी बन गई. सिलेंडर के अंदर जो ये कॉनिकल पार्ट है, ये आपने बाहर निकाल लिया. यानी कि जब आप सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो आपको ये वी शेप उसके अंदर दिखेगी, क्योंकि आपको क्या गिवन है कि सिलेंडर की हाइट सेम है और उसका जो है बेस वो सेम है कॉनिकल पार्ट के जो उन्होंने वहां से रिमूव किया. So question में we are given from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter. तो cylinder ले लिया हमने whose height is 2.4 and diameter is 1.4. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. तो ये same diameter हो गया and same height हो गई. यानी कि ये part जो है this one is removed. तो अब जो मेरे पास figure बची वो क्या बची? ये. It means I'm left with the base, I'm left with the curved surface area of the cylinder as well as curved surface area of this cone. ये cone जो है, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से same height होती, let us suppose यहाँ fix करते, तो ये आपका cylinder complete हो जाना था. ये कोन आपने बीच में से निकाल लिया, यानी कि ये पोर्शन जो है आप रिमूव कर चुके हो. यहाँ क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो आपने ये नहीं करना कि सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन. जहां पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि ये पोर्शन इज स्टिल विजिबल इन द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो आपने ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो जब आप इसके सरफेस एरिया की बात करोगे, दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और ये वाला बॉक्स क्योंकि स्टिल अवेलेबल है, तो प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. सो हमें निकालना क्या था? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगेन यहाँ क्वेश्चन में हमें मेंशनड ही है कि जो हमने कॉनिकल पार्ट निकाला, उसकी डायमेंशंस आर सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. सो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर. तो रेडियस, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन यहाँ कर लो बेशक. सो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन दैट विल बी इक्वल टू 1.4/2. सेवन बाय टेन सेंटीमीटर
Next is height of cone and cylinder, that is 2.1 centimeter, 2.4 centimeter. So, इसको मैंने 2.4 सेंटीमीटर लिख लिया. This is the height of cylinder, यानी कि h को रिप्रेजेंट कर रहे. Now what I have to find out? I have to find out the total surface area of the remaining solid. So total surface area of remaining में जब भी आपने देखना है, जो फिगर आपकी बच गई उस फिगर पे हम हैंड मूव कर रहे हैं. आई कैन मूव दिस ऑन दिस वी पार्ट जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल, देन इसके अराउंड हम जो है मूव कर सकते हैं अपना हैंड. तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, प्लस बेस इज ऑल्सो देयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बेस. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर. सो दीज थ्री थिंग्स वी आर लेफ्ट विथ. सो इनको आप लेके चलोगे. फॉर्मूले आपके पता है आपको, दिस इज पाई आर एल. एल हमें निकालना पड़ेगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड बेस ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर. सो एल जो है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. So R is 0.7 or you can say 7 by 10. ये हमारे पास 2.4 था. So this is 0.49 plus 5.76. So this is 6.25 or we can say 2.5. centimeter. So the plant height we are having as 2.5. Now put the values and simplify and get your answer. So this is your homework part. You are to complete this yourself. Now we are moving on to the question number 9. So in question number 9 we are having a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. अब हमें गिवन है एक सिलेंडर. सिलेंडर में से दोनों साइड्स पे वो एक हेमिस्फेयर को स्कूप कर रहे हैं, स्कूप आउट कर रहे हैं. तो दिस इज द सिलेंडर गिवन. अब अगेन यहाँ पे हमें हेमिस्फीयर की कोई डायमेंशन मेंशन्ड नहीं है. तो इट मींस विद द सेम डायमीटर ये आपका स्कूप आउट होगा, यानी कि वट एवर इज द लेफ्ट पोर्शन वो शेप हमारी क्या होगी, दिस वन. तो इट मींस जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो डायमेंशंस वी आर गिवन दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. अब यहाँ पे सिलेंडर में से हम हेमिस्फीयर को कट कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ हेमिस जो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड रेडियस इज गिवन टू अस एज 3.5 सेंटीमीटर. हाइट जो है दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर. सो अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप स्कूप आउट कर रहे हो तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो चेंज नहीं होगी. जब आप कर्व्ड सर्फेस एरिया ले रहे हो इसका सिलेंडर का, तो उस टाइम पे ये कर्व्ड में ये एंड्स जो है ये पूरी हाइट को आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आपने 10 सेंटीमीटर ही लेके चलनी है. सो इन दिस वी आर हैविंग द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट दैट इज गिवन टू बी 3.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियस ही होता है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है.
of the article. So total surface area of article is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of two hemispheres. Identical है ये hemispheres, तो formula again you know. तो इस चैप्टर में आप अभी तक ये देख रहे होंगे कि अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस एक्सरसाइज. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ यू आर हैविंग आर, यू आर हैविंग एच, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. So after simplification, this will be 374 centimeters square. 374 centimeters square. So this was your exercise 13.1. Now in the next one, in this exercise, if anyone is having any doubt, then you can raise your hand. I will unmute and you can ask your doubt. Otherwise, we are moving on to the next topic. Next topic jo hai, that is again based on the combination of solids. Bas usme hum kya baat kar rahe hain? We are talking about the volumes. Yahan hum surface area ki baat kar rahe hain. Surface area aur volume ke beech mein jo difference hai combination of solids mein, do bas aapko ye cheezon ka dhyan rakhna hai ki surface area mein aapne jo remaining figure reh jati hai, जो आपको यहाँ दिख रहा है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐड करना है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं करना. हाँ, जहां आपका जैसे इस तरीके से आ रहा था कि टॉप का पोर्शन आपका इसमें बन रहा था, तो देयर यू वर सब्ट्रैक्टिंग द थिंग्स. तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है. अदरवाइज जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में अगर हम कुछ स्कूप आउट करेंगे या इस तरीके से हम कुछ उसमें से निकाल देते हैं, कार्व आउट कर देते हैं, तो दैट वॉल्यूम विल बी सब्ट्रैक्टेड. यानी कि वॉल्यूम के केस में अगर हमारे पास एक आर्टिकल इस तरह का दिया जाता है, वी आर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, तो उस केस में वॉल्यूम्स आप सब्ट्रैक्ट करते हो. बट इफ वी आर टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया के केस में जो ये रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख रहा होता है, दिस फॉर्मूला यू आर टू एड. बस ये मेन आपने डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखना है. So moving on to exercise 13.2, question number 1. Formulae wahi hai, we have already discussed. In 9th also you had done. So this is your exercise 13.2, question number 1. So question number 1 we are having, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. So, yahan pe to hume mentioned hi hai, cone and hemisphere, aur cone ki jo height hai wo uske radius ke equal given hai, aur dono ka jo radii hai wo hume kitna given hai, 1 centimeter given है. तो इट मीन्स अब जो आपकी ओवरऑल ट्वाई जो है आपका, या जो सॉलिड हमें गिवन है, दिस इज 1 centimeter. तो ये वाली जो लेंथ है, दिस इज अगेन 1 centimeter, क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो कोन की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि 1 centimeter हो गई. Radius of cone 1 centimeter and the radius of this hemisphere is also 1 centimeter. Ye toy jo solid hai iska combination hai. What we are to find out the volume of the solid in terms of pi. Ab volume of solid nikalni hai kyunki volume ki baat ho rahi hai, to kuch bhi isme se scoop out carve out nahi hua. To volume of this cylinder plus volume of hemisphere, dimensions aap sari likh loge isko. Iski radius of cone and hemisphere that is 1 centimeter, height of cone is equal to its radius that is again 1 centimeter. So we are to find out the volume of the solid. So volume of solid, kyunki dono ka radius same hai to main r se hi dono ko represent kar rahi hu,
हाइट ऑफ कोन मैंने एच ले ली, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, या यू कैन राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्योंकि हम एक पार्ट की उसकी बात कर रहे हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. सो दोनों के फॉर्मूला हमें पता है, 1/3 πr² h प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो दैट इज 2/3 πr² पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैंने 1/3 πr² बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास रह गया यहाँ पे h प्लस 2. अब हाइट मुझे कितनी गिवन है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू बी 1 cm, सो दिस इज 1/3. पाई की टर्म्स में हमने आंसर देना है, रेडियस मुझे 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, h इज 1 + 2. ये 3 आपका कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद पाई. अब जो यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब, सो दिस इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. इन केस अगर ये मेंशन्ड नहीं होगा कि इन टर्म्स ऑफ पाई, तो देन यू विल राइट डाउन एज 22/7 सेंटीमीटर क्यूब. इस तरह के क्वेश्चंस में जब तक आपको यूज पाई इक्वल टू 3.14 नहीं कहा जाता, तो आप पाई को पाई ही, पाई को 22/7 लेके चलोगे. अदरवाइज यू कैन लीव इन टर्म्स ऑफ पाई ऑल्सो, बट कोशिश ये करो कि 22/7 आप उसको पुट कर दो. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर हैविंग रशेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट. एक थिन एल्यूमिनियम शीट उसने यूज की, जिसमें उसने सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन, मेरे पास अब सेम हाइट के कोन्स नहीं है, बट अदरवाइज जो उनकी डायमेंशंस हैं वो सेम है. मैं वैसे आपको रफ आइडिया दे देती हूँ फिगर का. सिलेंडर है, ऊपर एक कोन और देन नीचे दूसरा कोन. तो जब उसने क्या निकालना है यहाँ पे, उसके हमें डायमेंशंस गिवन है, डायमीटर गिवन है, मॉडल का लेंथ गिवन है, हर कोन की हाइट गिवन है 2 cm. हमने क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल that Rachel made, assume the outer and the inner dimensions of the model to be nearly the same. yani ki inner volume outer volume ki koi baat nahi hai isme. ab yahan pe we are to find the volume of the air contained in the model. so volume of the air contained in the model, do cones hain on the side of cylinder, so that jitni volume of air isme hogi that will be the सेम एज वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. मैं डायमेंशन बता देती हूँ, अदरवाइज दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट, तो यू विल कम्प्लीट दिस योर सेल्फ. फिगर सिलेंडर के दोनों एंड पे कोन है, तो एक ये बन गया, और एक कोन ऐसे नीचे, तो दिस इज द शेप. तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. डायमेंशंस आपको गिवन है. उसने क्या कहा कि टोटल हाइट जो है वो 12 cm गिवन है मॉडल की, यानी कि दिस इज गिवन टू बी 12 cm इस टॉप से लेके इस बॉटम तक. And then you are given diameter of the model is 3 cm. Diameter of the model, यानी कि ये चीज हमें 3 cm given है. It means the diameter of the cylinder as well as the diameter of cone 3 cm. फिर वो क्या कह रहे हैं कि if each cone is having a height 2 cm. तो अब total देखो, मुझे 12 given है, total में से 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो जो बाकी बची 12 - 2 - 2 यानी कि 12 - 4 दैट इज 8 cm जो है, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो अब मेरे पास डायमेंशंस आ गई, मेरे पास हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 cm, कॉनिकल पार्ट की हाइट है मेरे पास 2 cm, डायमीटर दोनों का सेम है 3, तो रेडियस विल बी 3/2. सो वी आर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल जो रिक्वायर्ड है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू कॉनिकल पार्ट्स, सेम है डायमेंशंस इनकी, तो ट्वाइस ऑफ कर देना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, दिस यू विल डू
इवन है तो डेफिनेटली यू आर टू डू इट योरसेल्फ. तो ऑल द वैल्यूज यू आर हैविंग, वैल्यूज आपको मैंने बता दी है. हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर. फॉर्मूले आपको पता है एंड देन यू विल प्रोसीड. सो टाइम इज ओवर. सो इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस डन टुडे, देन यू कैन आस्क योर डाउट.